नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। शिमला भाजपा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। इस उपलक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय, खन्ना मंगल पांडे, सतपाल सत्ती, विपिन परमार, रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल और अन्य भाजपा दिग्गज नेताओं ने रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वाजपेयी जी ने अपने पूरे जीवन में शांति, अस्तित्व, करुणा, समानता, न्याय और बंधुत्व के आदर्शों का पालन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि, लेखक, पत्रकार, राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह एक सच्चे राष्ट्रवादी थे और हमेशा राष्ट्र हित के लिए दलगत राजनीति से ऊंचे विचार रखते थे। वे चाहे सत्ता में रहे हो या विपक्ष में, वह राष्ट्र हित के लिए सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने भारतीय राजनीति का आजाद शत्रु भी कहा जाता है। वास्तव में विशाल हृदय सम्राट जननायक ने राजनीति में दृढ़ता एवं आदर्शों के साथ सम्मान प्राप्त किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए ये एक भावुक क्षण भी है। अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, चाहे वो विपक्ष के नेता रहे, हिमाचल के साथ उनके एक बहुत ही रिश्ता था, भावुक रिश्ता था और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में आकर के मनाली में ठहरते थे, प्रेमी के गांव में कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे और हिमाचल के लोगों के साथ इस प्रकार के रिश्ता उन्होंने कायम किया जिसे हिमाचल के लोग कभी भूल नहीं सकते। बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा और एक प्रधानमंत्री के नाते भारत की छवि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से उन्हें एक मजबूत भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, इस दृष्टि से कायम करने में सफलता हासिल की, वो सारी चीज़ को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। उनके योगदान को आज पूरा देश स्मरण करता है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रिय नेता के रूप में वो लंबे समय तक पार्टी में हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, हम सबको स्नेह देते रहे और देश के सबसे ऐसे एक नेता के रूप में जहां उनकी एक छवि ईमानदारी के रूप में और ईमानदारी के साथ साथ में एक बहुत लोकप्रिय, यानी कि विपक्ष के लोग भी उनको सभा में सुनने के लिए सारा काम छोड़ करके आते थे। ऐसे नेता जिनका हिमाचल के साथ इस प्रकार का रिश्ता है रहा है और स्वाभाविक रूप से हम उनके हिमाचल के साथ इस स्नेह को भी नमन करते हैं और उनके योगदान को भी स्मरण करते हैं जो भारतवर्ष के लिए कर रहा है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।